और आज अगेन हम आपसे रमजान से रिलेटेड बहुत जबरदस्त रेसिपी शेयर हाँ। करेंगे बहुत सारी वैसे हम मतलब डेली शेयर कर रहे हैं आप लोगों के साथ और फीडबैक इतना अच्छा आ रहा है आ तो यूनिक और डिफरेंट रेसिपीज हम आपके साथ और पूरा मंथ इंशाल्लाह जी शेयर करेंगे और इसी तरह हम आपको एंटरटेन करते रहेंगे और वीडियो पे जाने से पहले हम आपको कहेंगे फिर दोबारा कि आप हमारे चैनल को लाइक कर दें सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर दें और वीडियो को पूरा देखा करें तो चलते हैं वीडियो की तरफ असलम जनाब उम्मीद करते हो सब लोग ठीक होंगे जहाँ होंगे खैरियत होंगे अपने प्यारों के साथ खुश होंगे आज मैं आपके साथ रमजानू ब स्पेशल जी कटोरी चाट की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो कि बहुत ही मज़ेदार है सो लेट्स का स्टार्ट अ वीडियो चैनल बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें सबसे पहले हमें जिसकी कटोरी बनाने के लिए उसकी डो बनानी होगी उसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए होंगी वो नोट कर लीजिए इसके लिए हमें चाहिए होगा एक पाव मैदा मैदे को डालने के बाद इसमें हम नमक डाल देंगे एज पर टेस्ट या फिर आप इसको वन टीस्पून नमक इसमें शामिल कर देंगे उसके बाद इसमें हम दो से तीन टेबलस्पून ऑयल या घी के शामिल कर देंगे अगर आप इसमें घी शामिल कर रहे हैं तो कोशिश करें थोड़ा इसको मेल्ट कर लें फिर उसके बाद इसमें आप घी को शामिल कर दें ओके जी अब पहले मैं तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लूँ जो कि हमने नमक इसमें डाला है और नमक को मिक्स करने के बाद जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं इसमें दो से तीन टेबल स्पून ऑयल के शामिल कर दूँगी ऑयल शामिल करने के बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे दुनिया के किस कोने से आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं ज़रूर बताइएगा और रमज़ान के अंदर आप और नई रेसिपी सीखना चाहते हैं या देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी इन वैसे भी डेली मैं आपके साथ मुख्य वीडियो शेयर करती हूँ जो कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आती है उसके लिए थैंक यू सो मच गाइस इसी तरह जो मेरे चैनल को देखते रहने पसंद करते हैं क्योंकि आपके साथ मैं डेली की वीडियोज़ शेयर करती रहूँगी ओके जी अब हम इसमें क्या करें इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के जिस तरह हम घर में अमूमन रोटी बनाने के लिए आटा गूंथते हैं वैसे ही हम इसकी डो बना लेंगे डो हमने इस तरह की गूनी है जो ज़्यादा ना सख्त हो और ना ही ज़्यादा नरम हो जिस तरह सॉफ्ट सी डो हम गूनते हैं वैसे ही हम गून लेंगे और ये बहुत ही मुनफरद चाट की रेसिपी है चाट तो अमूमन हर घर में रमज़ान में बनाई जाती है चाहे फ्रूट चाट हो या फिर जो चना चाट होती है अगर उसकी रेसिपी नहीं देखी तो वो भी मैंने अपने चैनल पर शेयर कर दी है वो भी आप देख सकते हो बस ये आज मैं आपके साथ चाट की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ लुक वाइज बहुत ही खूबसूरत लगती है और इसके साथ ही साथ टेस्ट में बहुत ही मुनफरिद है तो बस ये अब हम इसकी डो को गूंदने का इंतजार कर रहे हैं डो को गूंदने के बाद मैं इसको रख दूँगी दस मिनट के लिए रेस्ट के लिए ताकि थोड़ा सेट हो जाए देन हम इसकी कटोरी बनाना स्टार्ट करेंगे ये देखें जी बस डो हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है अच्छा थोड़े से आटे के अंदर भी आप ढेर सारी बना सकते हैं अच्छा ये लो कॉस्ट रेसिपी है अगर आप के पास ना बजट नहीं है कि आप जी ढेर सारी मज़ेदार किस्म की यूनिक रेसिपीज़ बना सकें तो मेरे चैनल को देखते हैं इन मैं आपके साथ जी कम बजट में लो कॉस्ट बहुत ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी शेयर करूँगी जो कि आपके जेब पर बिल्कुल भारी नहीं पड़ेंगी दस मिनट की रेसिपी में इसको छोड़ दिया था दैन दस मिनट के बाद जी मैंने ये जो हमने आटे की डो बना रखी है इसको क्या करना है? हमने और छोटे छोटे साइज में डिवाइड कर लेना है इसकी छोटी छोटी लोइया बना लेनी है जिसको हम पेड़े बोलते हैं ठीक है जी छोटे छोटे हम बना लेंगे चाहे बड़े बना लें चाहे छोटे बना लें ये साइज आपको मैं दोनों दिखा रही हूँ कुछ मैं छोटे बना रही हूँ कुछ थोड़े से बड़े बना रही हूँ तो आगे मैं इसको राउंड करके आपको दिखाती हूँ ओके जी अच्छा एक साथ ही ढेर सारे पेड़े बना रहे क्योंकि फटाफट अगर आप बनाना चाहते हैं ना ढेर सारी कटोरियाँ तो पहले ही आप इस तरह ना इसकी लोइियाँ बनाकर रख लें आ, ताकि आपका ज़रा टाइम भी वेस्ट ना हो क्योंकि रमज़ान मुबारक में तो होता है कि जी आपको टाइम की बहुत जल्दी पड़ी होती है इबादत को भी टाइम देना होता है साथ ही साथ अवतार भी तैयार करनी होती है तो अवतार के लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की यह रेसिपी है इसको ज़रूर अपने दस्तर खुवा में शामिल कीजिएगा इन बहुत ज़्यादा तारीफ़ होगी और ये यूनिक एंड डिफरेंट स्टाइल रेसिपी आपकी बहुत ज़्यादा काम भी आएगी दैन आपने क्या करना है थोड़ा सा मैदा आपने स्प्रिंकल कर देना है सरफेस पर देन आप इसको रोलिंग पिन के साथ रोल कर लोगे और छोटे साइज की रोटी बेल लोगे अच्छा पेड़ा हमने पहले ही छोटे साइज़ का लिया था ताकि जो रोटी है हमारी ज़्यादा मोटी ना मिले ठीक है बस इसी का मकसद यही था बताने का आपको कि आपने छोटे छोटे साइज के पेड़े बनाने हैं ताकि जो रोटी है वो ज़्यादा मोटी ना बने क्योंकि हमने कटोरी की शेप देनी है तो बस आपने यही कोशिश करनी है कि छोटे छोटे ही पेड़े लें बस इसके बाद इस तरह आप इसको राउंड राउंड से चपाती होती है वैसे शायद छोटी आप इसको बेल लोगे मैं तमाम रोटियाँ इसी तरह बेल लूँगी दैन मैं आपको दिखाती हूँ कि आपने इसकी कटोरी किस तरह बनानी है तो उसकी कटोरी चाट क्योंकि हम बना रहे हैं तो कटोरी बनाने के लिए हमें चाहिए होगी कटोरी घर में एक्स्ट्रा कटोरियाँ पड़ी होती हैं कोई भी आप कटोरी ले सकते हैं जो कि स्टील की हो ठीक है जी स्टील की कटोरी आपको इसमें चाहिए होगी अगर वो आपके पास नहीं है तो दूध उबालने के लिए जो हम डोंगी लेते हैं छोटी वाली वो भी आप ले सकते हो तो मैं क्या लूँगी इसमें मैं दूध उबालने के लिए जो डोंगी लेते हैं वो लेंगे मैं क्या आपको वीडियो में दिखाती हूँ जी ये वाली इस तरह से कोई डूँगी सी चीज़ जिसको हम कहते हैं पंजाबी में वैसे ही जी आपने थोड़ी सी ना कोई ऐसी चीज़ है नहीं जितना कटोरी टाइप ही कोई चीज़ हो बाउल टाइप कोई चीज़ हो देन इसके ऊपर आप रोटी को इस तरह लपेट देंगे अच्छा इस तरह आपने बड़े आसानी से रोटी इसके ऊपर लिपट जाएगी ये वाली और इसको बिल्कुल कटोरी के फॉर्म में आ जाएगी आपने बहुत दुबा दुबा कर इस कपड़ नहीं चढ़ाना जब इसको आप ऑयल में डालोगे तो आप देखो देखोगे ऊपर ही चिपकी रह जाएगी बस हल्के हाथ से आप इसको इस तरह प्रेस करते जाएँ इसके जितनी भी साइडें हैं वहाँ से ताकि ये अच्छी तरह कटोरी पर चिपक भी जाए और जब हम इसको ऑयल में डालें तो कटोरी को, को ये छोड़ भी दे। ये देखें अब इसको अगर पलटा तो आप देख रहे हो कि ये इतनी टाइटली बंद नहीं है कि मैं इसको अगर ऑयल में डालूं तो ऑयल में छोड़े नहीं देख रहे हैं आप बिल्कुल मैं हल्के हाथ से इसको प्रेस कर रही हूं कि बस ये बर्तन के पीछे ज़रा चिपक जाए ठीक है उसके बाद हमने क्या किया ऑयल को हमने गर्म होने के रख दिया जो कि एक लीटर ऑयल था तो चलते हैं उस पॉइंट की तरफ ओके okay जी ऑयल आपने अच्छा खासा गर्म कर लेना है देन ही आपने इसमें आपने कटोरी डालनी है उसके बाद कटोरी को आप हल्का हल्का हिलाओगे तो आप देखोगे साथ ही साथ ये जो रोटी है या कटोरी है खुद ब खुद ये खुलती जाएगी और ये जो बर्तन है इसमें से इजीली बाहर आ जाएगा और ये बिल्कुल कटोरी चाट के लिए जो हमने कटोरी बनाई है वो भी बिल्कुल बनकर रेडी हो जाएगी ये देखे जी बस मैंने आपको कहा था कि बस इसको हल्का सा मैंने शेक किया बिल्कुल कटोरी बनकर रेडी हो चुकी है अब इसके अंदर भी आप ऑयल डालिए इसको उल्टा सीधा भी कर लें ताकि ये आगे पीछे से भी अच्छी तरह कुक हो जाए बहुत ही प्यारा सा कलर आने दें इसके ऊपर और जैसे क्रिस्पी सी हो जाए क्रंची सी हो जाए तो इसको हम निकाल लेंगे अब आपने क्या करना है कर आप ढेर सारी एक साथ बनाना चाहते हो एक पर अगर आप टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते तो वो भी तरीका आगे मैं आपको बताऊँगी फटाफट आप ढेर सारी तीन चार कटोरियाँ इस डाल सकते हो ऑयल के अंदर पहले मैं आपको एक बनाकर बता रही हूँ ताकि आप बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सको कि जी आप एक ना बना सकते हो देन आप ढेर सारी भी एक साथ डाल सकते हो तो वो स्टेप भी मैं आगे, आगे आपको दिखाऊंगी जी आपने वीडियो को कंप्लीट देखते हैं स्किप नहीं करना इंस्टाग्राम पे मुझे तो फॉलो नहीं किया तो वहाँ पर जाकर फॉलो कर, कर लीजिए अगर कोई क्वेश्चन करना है कोई रेसिपी सीखनी है रेमेडी सीखनी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा देखिए माशाल्लाह बहुत ही प्यारा इसका कलर आया है बस मैं इसको अब निकाल लूँगी और आपको बताऊँगी अगला तरीका कि आप किस तरह ढेर सारी एक साथ बना सकते हैं जिस तरह की कटोरियाँ तो बस मैंने बनाने के लिए डालना शुरू कर दी आगे मैं आपको बताती हूँ बस आपने क्या करना है देखिए एक कटोरी मैंने डाली हुई है इसी तरह आपने क्या करना है, बस ऑयल के अंदर से इसमें चम्मच को निकालना है और बड़ी एहतियात के साथ बस रोटी का उसके ऊपर चिपकाते जाना और साथ साथ ही इसके अंदर ऑयल के अंदर पोर करते जाएंगे आप तो आप देखोगे ढेर सारी रोटियां फटाफट बन जाएंगी देखिए बस ऑयल में से हमने चम्मच को निकाला एक दो, दो दफ़ा ऑयल के अंदर चमचे को घुमाया था देन हम इसको निकाला उसी तरह अगेन आप इसी तरह देखो एक तो बन रही है इसी तरह आप दो तीन चार जितनी आपकी बर्तन में स्पेस है जितनी जगह खाली है आप डालते जाएँ साथ साथ और ढेर सारी आप बनकर ये रेडी हो जाएंगी अच्छा इसके अंदर जो चार्ट मैं फिल करने लगी हूँ वो तो आप अपनी मर्जी से कोई भी इसमें चाट डाल सकते हैं चाहे फ्रूट चाट चाह चाहे चना चाट डालें जो भी आपको चाट पसंद हो वो डालें तो मैं इसमें क्या फीलिंग करूँगी वो आगे चल के मैं आपको दिखाती हूँ अभी मैं आपको बनाना बता रही हूँ कटोियों का तरीका ये देखें इस तरह अगर थोड़ी अगर चिपक जाए अगर आपको लग रही है थोड़ी सा चिपकी है तो आप नाइफ या कोई चम्मच यूज़ करके भी इसको बना सकते हैं देखिए माशा से बहुत ही प्यारी हमारी बनकर ये तैयार हो रही हैं कटोरियाँ अंदर इसके थोड़ा सा जी ऑयल डालें इसको थोड़ा पुठा सीधा कर लें ताकि आगे पीछे से पक जाए देखें जी कहीं से भी चिपकी हमारे बर्तन पर और इसी तरह जी और ढेर सारी मैं डालती जाऊंगी और साथ साथ बनाती जाऊंगी अच्छा इसके अंदर जो मैंने फ़िलिंग करनी है उसके लिए मैंने क्या ली है पोटैटोज़ ले ली हैं क्योंकि मैं इसको पटेटोज़ के साथ बना रही हूँ जैसे चना चाट होती है उसके साथ मैं इसकी फिलिंग करूँगी तो आपने क्या करना है कि आलू उबालने के लिए रख देने हैं जो कि मैंने रख दिए हुए हैं वो आगे मैंने किसान यूज़ करने हैं वो बबले आलू तो मैं आगे आपको चल के बताऊँगी बस मैं आपको ये दिखा रही हूँ जी ढेर सारी जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे पास छोटा बर्तन है लेकिन फिर भी इसमें तीन चार ईजिली आ गई हैं अगर आपके पास बड़ा बर्तन है तो आप ढेर सारी मिनटों में तैयार कर लेंगी टाइम सेविंग रेसिपी है और ज़्यादा कॉस्टली नहीं है लो बजट रेसिपी है जो कि आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी वैसे भी रमजान मुबारक में मुख्तु डिशेस बनाई जाती हैं और चाट तो ज़रूर ही बनाई जाती है तो, जाती। तो अगर आप इस तरह बनाएंगे तो इन आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ भी होगी और आपके बजट के जमिट है वो भी आउट नहीं होगी ये देखिए इस तरह मैंने बना ली है देन हमने क्या करना है कि इसको अब हमने एक अलहदा बर्तन में निकाल कर रख लेना है तो ये जी हमारी ढेर सारी कटोरियाँ बनकर रेडी हो गई हैं अब मैं इनको ट्रे में सेट करके कर रख दूँगी जो मेरी सर्विंग ट्रे है बस इसके अंदर मैं लगा कर इसको रख रही हूँ बस क्योंकि मैंने अब इसकी फिलिंग तैयार करनी है जो इसके अंदर मैंने चाट बनाकर डालनी है बस वो चार्ट रेडी करनी है उसके लिए चलते हैं चार्ट की तरफ चाट के लिए आप इसमें कुछ भी डाल सकते हैं इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप जी जो मैं डाल रही हूँ वो ही डालो बट आप कुछ भी इसमें ऐड कर सकते हो ठीक है मैंने क्या किया है मैंने पटैटोस ले ली हैं तीन चार आप पटेटोस ले लें यानी आलू उनको थोड़ा बॉयल कर लें जैसे नर्म हो जाए उसके बाद का छिलका उतार लें इसमें सात टमाटर डाल लें प्याज डाल लें चने डाल लें हरा धनिया हरा पुदीना इस तरह की चीज़ें डाल लें उसके बाद अगर आपने मेरी चटनी की रेसिपी नहीं देखी तो मैंने इमली की चटनी बनाकर जी अपने चैनल पर अपलोड कर दी वो जाकर देख लो अगर आपके बस इमली की चटनी नहीं है तो आप इसमें जो रेडीमेड कैचअप होता है वो भी डाल सकते हैं फिर उसके बाद मैं इसमें चाट मन मसाला डालूंगी और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के बनकर हमारी कटोरी रेडी हो जाएगी बस मैं अब इसकी चाट रेडी कर लूँ फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ ओके जी तीनों के तीनों जो आलू थे हमने उनका छिलका उतार लिया अब हम इसको चाहे तो रफली सा चॉप कर लें चाहे फाइन चॉप कर लें इसको ठीक है आ, इसके बाद मैं इसमें टमाटर ले लूँगी और हरी मिर्च लूँगी प्याज लूँगी चने लूँगी ये तमाम चीज़ें लेके बस अलहदा से आपने इसकी चाट बना लेनी है और आखिर में मैं इसको सर्व करूँगी कैचअप के साथ और साथ ही साथ मैं इसमें डालूँगी चाट मसाला ठीक है अब मैं इसमें दो तीन हरी मिर्चें डाल थोड़ा यानी तीखा पाना आ जाए इसमें बस इसमें हम प्याज डालेंगे बारीक बारीक कट करके बहुत ही यमी डिलीशियस ये रेसिपी है उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है पसंद आ रही तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ओके okay, जी प्याज को हमने बस फटाफट फड़ से चॉप कर लिया है देन uh, मैं क्या करूँगी कि मैं इसी तरह टमाटर को भी चॉप कर लूँगी चने वैसे मेरे पास आगे बॉयल्ड पड़े हुए हैं बस वो भी इसमें शामिल कर दूँगी आलू भी इसमें मैं बारीक बारीक काट के शामिल कर दूँगी और उसके बाद जैसे चाट बनकर रेडी हो जाएगी uh, तो आप इसको बस कटोरी के अंदर भरेंगे और फिर उसके बाद मैं आपको फाइनल लुक दिखाऊँगी इसे प्रेजेंटेशन दिखाऊँगी किस किस को चाट बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे ज़रूर बताइएगा ये भी ज़रूर बताइएगा कि फ्रूट चाट ज़्यादा पसंद है या चना चाट ज़्यादा पसंद है अच्छा मेरी तो दोनों ही बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं बट रमज़ान मुबारक में ज़रा चना चाट ज़्यादा मज़े की लगती है और फ्रूट चाट भी नो डाउट बहुत ज़्यादा मज़े की होती है लेकिन फ्रूट सैलड जो होता है ना वो तो औसम होता है तो चना चाट मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है तो मैं कोई ना कोई मज़ेदार किस्म की चाट की रेसिपी बनाती रहती हूँ तो सोचा क्यों ना आपके साथ भी शेयर कर दूँ अगर आपको अच्छी लगे तो अच्छा सा फीडबैक जरूर दीजिएगा बस इसी तरह तमाम सब्जी को मैं इसके अंदर कट कर लूँगी हरी मिर्च को टमाटर को फिर इसके बाद हम इसमें चने शामिल कर देंगे और टमाटर को भी मैं कट कर करके इसमें शामिल कर दूँगी आप चाहो तो इसमें अनार भी डाल सकते हो आप चाहो तो इसके अंदर फ्रूट भी ऐड कर सकते हो मज़ेदार किस्म की जी आप सेब भी इसमें ऐड कर सकते हो बनाना भी इसमें ऐड कर सकते हो अगर आप चना चाट को रिप्लेस करना चाहते हो ठीक है आ, बहुत ही मज़ेदार किस्म की आप इसमें और भी आइडियाज़ शामिल कर सकते हो ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें चना चाट ही बनाकर शामिल करें आप इसमें फ्रूट चाट भी बना सकते हैं बस ये कट हो जाए कम्प्लीटली तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसका नेक्स्ट स्टेप बस ये तमाम चीज़ें कट जाएंगे इसके बाद मैं इसमें चने शामिल करूंगी इसको मिक्स करके साइड पे रख दूंगी फिर उसके बाद चलेंगे हम कटोरी की प्रेजेंटेशन की तरफ तमाम सब्जियाँ कट गई बस अब इसको हम साइड पे कर देंगे देन हमें चाहिए होगा रायता या दही आपको इसमें चाहिए होगी दही के अंदर मैंने क्या किया थोड़ा सा बारीक खीरा काट लिया है और थोड़ी सी मैंने इसमें ऐड कर दी है गाजर ठीक है एक प्याली हमें इसमें चाहिए होगी दही अच्छा दही हम इसमें बहुत ज़्यादा नहीं लेंगे थोड़ी सी खुश्क सी चाट होती है क्योंकि इसके नीचे पापड़ी होती है उसके अंदर हम इसको डालना होता है इसके साथ ही हमें इसमें चाहिए होगा चाट मसाला देन अब इसकी असेंबल करना इसको स्टार्ट करते हैं अब मैंने क्या किया है? जैसे प्रेजेंटेशन की जो ट्रे है उसके अंदर आपने तमाम जी कटोरियाँ रख लेनी उसके बाद आपने इसमें चाट डालते जाना है साथ साथ चाट डालने के बाद आपने इसके ऊपर दही डाल देनी है कैशअप डालें चाट मसाला डालें ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया हरा पुदीना डालें और उसके बाद इसको इंजॉय कीजिए बेहद आसान बेहद मज़ेदार किस्म की ये रेसिपी है देखी जी मैं इसमें चाट डालती जा रही जितनी इसमें गुंजाइश है उतनी ही हम इसमें डालेंगे इसको ओवर क्राउडिड मत कीजिए और इसके पास में थोड़ी थोड़ी सी आपने दही डालनी है और उसके बाद आप देखोगे ये बिल्कुल बनकर तैयार हो जाएगी हमारी मज़ेदार किस्म की बिल्कुल ये कटोरी चाट जो कि बहुत ही अमेजिंग बनती है ओके okay जी अब मैं इसमें दही डाल रही हूँ दही आप चाहो तो ज़्यादा भी डाल सकते हो तो लेकिन दही आपने बिल्कुल एंड पे इसमें डालनी है वरना ये जो चाट है इसकी क्रिस्पिनेस ख़त्म हो जाएगी जो उसके अंदर कटोरी है ठीक है तो ये सौगी ना हो तो बस आपने बिल्कुल लास्ट में इसके अंदर चाट भी डालनी है दही भी डालनी है प्रेजेंटेशन से दे कुछ देर पहले ठीक है फिर तो उसके बाद इसको प्रेजेंट कीजिए और बहुत ही मज़ेदार किस्म की बनकर जी हमारी चाट रेडी होगी बस अब इसमें मैं दही डाल दीजिए दही डालने के बाद मैं इस पर डालूंगी कैचअप कैचअप डालने के बाद हम इस पर ऐड करेंगे जी चाट मसाला और चाट मसाले को डालने के बाद जिसको हम प्रेजेंट करेंगे और मैं आपको उसकी फाइनल लुक दिखाऊंगी कि फ़ाइनली ये बनकर कैसे तैयार हुई है ओके जी थोड़ा थोड़ा सा हमने इसमें केचप डाल दिया है तमाम कटोरियों के अंदर मेरे तो मुंह में अभी से इतना पानी आ रहा है क्योंकि जब मैंने इसको बनाया था बहुत ही यम्मी बनी थी इतनी क्रंची अंदर से फुल ऑफ मज़ेदार किस्म की स्पाइसी चाट और बस ये मज़ा ही आ गया चार चांद लग गए और बहुत ही शानदार किस्म की ये रेसिपी है और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी जब आप घर में बनाओगे तो आप भी इसके फ़ैन हो जाओगे बस इसके ऊपर हम चाट मसाला डालेंगे और लीजिए हमारी मज़ेदार किस्म की चाट बिल्कुल बनकर तैयार हो गई है तो ये देखें जी माशाल्लाह से हमारी बहुत ही यमी डिलीशियस ही चाट बनकर रेडी हो चुकी है एक कटोरी उठाकर मैं आपको करीब से दिखाती हूँ ताकि आप देख सको कि कितनी यम्मी और डिलीशियस ये बनकर रेडी हुई है अगर रेसिपी अच्छे लगे तो फीडबैक देना मत भूलिएगा आखिर मैं इसमें थोड़ा सा धनिया थोड़ा सा पुदीना डाल के इसको थोड़ा सा प्रेजेंटेबल लुक और ज़्यादा प्यारी कर दिया नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ बाय बाय टेक केयर